बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन के ऊपर, जो कि होती है कि सर हम जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, आप हमें बताइए कि प्रोटीन ले या मास गेनर ले। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, और सप्लीमेंट खरीदते टाइम के काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिराजी ने आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन के ऊपर, जो कि होती है कि सर हम जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, आप हमें बताइए कि प्रोटीन ले या मास गेनर ले। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत रहता है आपके दिमाग में। यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल के लिए प्रोटीन रखे हुए हैं, ये पॉपुलर प्रोटीन्स हैं और ये पॉपुलर गेनर्स हैं, जिसमें लबराडा किंग मास है और प्रोटीन्स में नाइट्रोटेक और इलीट है, सभी जानते हैं इनके बारे में। ये सिर्फ इनके बारे में बात नहीं करेंगे, बस मैंने एग्जाम्पल के लिए रख लिए हैं। तो दोस्तों बिगनर्स जो जिम जाना जिन्होंने स्टार्ट किया है वो बार बार पूछते हैं कि हमको 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, महीना भर हो गया है जिम जाते हुए, अब तो आप हमें कुछ बता ही दीजिए कि मास गेनर लें, प्रोटीन लें, क्या लें, बस बॉडी बनानी है हमें। तो सबसे पहले उन बिगनर्स भाइयों को, उन बिगनर्स फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि सप्लीमेंट्स विला एक फैमिली है, उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपको 10 दिन 15 दिन या महीना भर हुआ है ना और आप सोच रहे हैं कोई सप्लीमेंट ले लें, तो आप प्लीज कोई भी सप्लीमेंट मत ले, क्योंकि हमारा जो बेस है वो सप्लीमेंट नहीं है यार, वो हमारा बेस डाइट है। और मेरे हिसाब से कम 1.5-2 महीने तो आपको सप्लीमेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये मैं आपको ट्रूली गाइड कर रहा हूं, पहले आप अपना डाइट को सुधारें, क्योंकि यार स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने एक्सरसाइज ही कितनी करते हैं आप, 30-35-45 मिनट की, और इतनी रिकवरी तो यार डाइट से भी कर सकते हैं। और तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखें कि 15-20 दिन या महीने भर में जो है आप सप्लीमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सोच को बदलिए और कम से कम अपने आप को 1.5-2 महीने का टाइम दीजिए। आप जब जिम जाते हुए आपको इतना टाइम हो जाए, देन उसके बाद आप जो है सप्लीमेंट के बारे में सोचें, और वो भी कब सोचें, जब आपकी डाइट पूरी हो जाए कि हाँ भाई अब तो मैं सब कुछ ही खा रहा हूं, मैं दूध भी ले रहा हूं, दालें भी खा रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक के लिए रोटी चावल सब कुछ मैं खा रहा हूं, तो ही आप सप्लीमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अच्छे रिजल्ट डाइट से ही मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका मेन क्वेश्चन, जो कि है कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए और मास गेनर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये आप खुद डिसाइड करेंगे, ना कि मैं आपको बताऊंगा। आप अपना बॉडी गोल डिसाइड करें, आप जाने कि आपका बॉडी गोल क्या है, आप चाहते क्या है अपनी बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट है अंडर, मतलब अगर आपकी हाइट तो है 5'8" या आपकी हाइट है 5'10" और आपका वेट है फॉर एग्जांपल 50 किलो 55 किलो, तो नो डाउट आपके पास मास गेनर ही एक अच्छी चॉइस है। क्यों है अच्छी चॉइस? क्योंकि दोस्तों आपका वेट काफी कम है, आप स्किनी बॉडी है आपकी, तो पहले आप अपने शरीर को भरिए। आप सिर्फ प्रोटीन से रिजल्ट अच्छे नहीं ले पाएंगे, मास गेनर आपको लेना चाहिए। अब दोस्तों हम बात आ जाते हैं कि इसमें भी दो चीज मैटर करेंगी। चलो आप अंडर वेट भी हैं, बट स्टिल जो है आप चाहते हैं कि यार मेरे को जो है ना वजन नहीं बढ़ाना, फैट नहीं आना चाहिए बॉडी में, मेरे को सिर्फ मसल साइज पे फोकस करना है, तो भी, और अगर आपका मतलब वेट भी ठीक ठाक है तो भी आपको जो है प्रोटीन ही लेना चाहिए। तो ये चीज समझेंगे, प्रोटीन जो है हमारे मसल साइज पे ही फोकस रखता है, हमारा वेट ये पुट ऑन नहीं कराता है। तो यहां पर बॉडी गोल को आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आप अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा वजन में भी एक और बात है कि अगर आप 1-2 किलो बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोटीन से काम चल जाएगा, बट अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरा 5-7-8 किलो 10 किलो इस टाइप में वजन बढ़े, तो प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, आपको फिर मास गेनर की तरफ आना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझेंगे, और मास गेनर कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और थंबनेल स्क्रीन के ऊपर है, तो ये चीज आप देखेंगे कि मास गेनर यूज कैसे करना है, क्योंकि मिनिमम यूज करना है, इसका मैक्सिमम लाभ उठाना है, हाई कैलोरिक फूड है ये। तो मेरे को लगता है कि अब आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आपको मास गेनर लेना चाहिए और प्रोटीन लेना चाहिए, और कितने दिनों बाद आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। दोस्तों सप्लीमेंट्स विला फैमिली है, यहां पर कभी कोई गलत एडवाइस नहीं दी जाएगी, पता लगे कि यार नहीं सिर्फ सेल करने के पर्पज से आपको कुछ भी बोला जा रहा है, नहीं दोस्तों यहां पर हम आपको ट्रूली गाइड करेंगे। हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना, ना कि सेल करना। यार जब आप सेटिस्फाई होंगे तो सेल अपने आप हो जाएगी, तो सेल के पीछे नहीं है हम, आपके पीछे है। सप्लीमेंट्स विला फैमिली की तरह काम करेंगे हम, और फेक माफिया से आपको बचना है, क्योंकि फेक सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, उनसे बचिए। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए जो कि मिलेंगे आपको सप्लीमेंट्स विला पर, 100% ओरिजिनल विद GST बिल, करंट इंपोर्ट अटैक और फ्रेश लॉट के साथ, विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस, ऑल ओवर इंडिया आप मंगा सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्सविला.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि मास गेनर लेना है या प्रोटीन लेना है, अब आप बॉडी गोल डिसाइड करके आप ऑर्डर डालिए सप्लीमेंट्स विला पर। हां
डाइट, डाइट को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर डाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है सप्लीमेंट के बारे में मत सोचिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।